बिहार में एक बार फिर बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। कोसी कमला से लेकर बागमती विकराल रूप ले चुकी है और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नेपाल में लगातार हो रही बारिश से बिहार वालों की मुसीबत बढ़ गई है। कोसी कोहराम मचा रही है तो गंगा, गंडक और कमला कहर बरपा रही है। बिहार के करीब 20 जिलों के 16 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ की तबाही का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकराल हो चुकी नदियां कई घरों को अपने में समाहित कर चुके हैं। जहां एक तरफ लोग दाने दाने को तरस गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस पर मदद सही समय पर पहुंचाने की बजाय राजनीति हो रही है। देखिए, आरजेडी के एमपी और लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। मीसा भारती का कहना है कि पाटलिपुत्र में बाढ़ आई लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगी। जरा सुनिए। पाटलिपुत्र का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ, वहाँ से मैं एमपी हूँ और बहुत कम छोटी सी एक मतलब बाढ़ आई थी जहाँ पे मतलब दियारा का जो मनेर विधानसभा का दानापुर का दियारा पूरा डूबा हुआ था और मुख्यमंत्री से लेकर के संबंधित जितने भी पदाधिकारी है उनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। वहाँ पे बाढ़ घोषित तक नहीं किया गया। जिस तरह से भी हम लोगों ने वहाँ के पदाधिकारियों से थोड़ी बहुत जो बात करके जो मदद हो पाया वो हम लोगों को तक पहुँचा पाए हैं, तो सरकार को संवेदनहीन नहीं रहना है। मतलब उनको ने ट्वीट किया है बिहार और बलात्कार को लेकर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार का आप अपमान कर रहे हैं और सत्ता संरक्षित अपराध सीएम हाउस से होता था आपके वक्त में, क्या कहेंगे उनको? देखिए, मैं बार बार यही हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग या विपक्ष के जितने भी नेता लोग हैं यही आरोप लगाते हैं कि घटना आज घटती है और चर्चा हम 20 साल 22 साल 25 साल पहले की करते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। घटना आज घटी है, सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का नेतृत्व ये लोग करते हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने उस दिन भी कहा था, मुझसे किसी ने पूछा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है प्रशासन पे। तो वहीं इस पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बाढ़ की स्थिति पर बयान देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विजय सिन्हा ने कहा कि सिर्फ ट्वीट करने से बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं हो जाती, तेजस्वी यादव को जनता के बीच जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। जरा सुनिए। लगभग अर्धशतक के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। 6,61,000 उसे वाटर छोड़ा गया, जो पहली बार बिहार में अनुभव है, लेकिन सरकार सजग है। सरकार की सजगता से वो नुकसान नहीं कर पाएगा जो अकस्मात बाढ़ आने से होता है। शासन प्रशासन पूरी नजर रखे हुए है और भारत सरकार भी बाढ़ आपदा से निपटने के लिए 11,000 करोड़ से ज्यादा जो दिया गया है, कल डीपीआर भी नेपाल के डैम के लिए बनाने का पूरी प्लानिंग चल रही है। इस बार प्रकृति की विपदा पर हम सब की एकजुटता, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के हम इसका निदान भी करेंगे और अपने बिहारियों को सुरक्षित और संरक्षित भी रखेंगे। सिर्फ ट्वीट कर करके सेवा का मनोभाव बनाना, हम तो कहते हैं, हमने पहले ही अपील किया कि सभी लोग को मिल करके आपदा में सेवा के भाव से काम करना चाहिए। ट्वीट करने से और सिर्फ बयान दे देने से प्रतिपक्ष की भूमिका होती है, सत्ता से ज्यादा विपक्ष जमीन पर खड़ा होकर के लोगों की समस्या को सरकार को अवगत कराता है, सरकार को सजग कराता है, सरकार को विवश करता है कि सरकार सेवा करे। इसके साथ ही विजय सिन्हा ने यह भी कहा कि प्रशासन को कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर तटबंध को टूटने नहीं दिया जाए। सरकार के द्वारा पैसों की कोई कमी नहीं की जाएगी, जरूरत पड़ी तो लोगों के बीच जाकर हम सेवा करेंगे। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही थी। नीतीश का कहना है कि आपदा में जो लोग फंसे हैं उनका सरकार के खजाने पर सबसे पहले अधिकार है, उनके लिए कोई भी कमी नहीं रहेगी। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों गंडक, कोसी, बागमती, कमला बलान और गंगा समेत कई नदियां उफान पर हैं। लाखों लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। लोगों को 2008 वाला डर सताने लगा है। दरअसल बिहार में 2008 में आई तबाही के निशान अभी भी हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2008 में भयानक बाढ़ से 526 लोगों की मौत हुई थी। कई किसानों के खेत हमेशा के लिए बर्बाद हो गए थे क्योंकि खेत में बालू भर गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि तब नेपाल की ओर से 2 से 3 लाख की उसे पानी छोड़ा गया था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।